प्रियंका चोपड़ा ने साल 2003 में सनी देओल की द हीरो से बॉलीवुड में कदम रखा था। फिल्म में वो भले ही साइड रोल में थी, लेकिन उस फिल्म से इंडस्ट्री को पता चल गया था कि प्रियंका चोपड़ा नाम की भी एक नई लड़की मायांगरी में कदम रख चुकी है। उसके बाद प्रियंका ने अंदाज, मुझसे शादी करोगी और एतराज जैसी फिल्मों से बॉलीवुड को दिखा दिया कि उनके पास किस तरह का हुनर है। इसके बाद तो प्रियंका चोपड़ा का बॉलीवुड सफर सफल फिल्मों के साथ बढ़ता ही चला गया। हालांकि प्रियंका चोपड़ा की सफलता के बीच यह किसी को नहीं पता कि बॉलीवुड के एक डायरेक्टर ने उन्हें देखते ही कह दिया था कि यह लड़की इंडस्ट्री की नई रेखा है। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि वो डायरेक्टर कौन था, तो हम आपको बता दें कि वो बॉलीवुड डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि सुनील दर्शन थे। सुनील दर्शन बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं, जिन्होंने इंडस्ट्री को कई सफल फिल्में दी हैं। सुनील की इन्हीं सफल फिल्मों में से एक सफल फिल्म अंदाज भी थी, जिसमें प्रियंका चोपड़ा को पहली बार अक्षय कुमार की लीडिंग लेडी का किरदार निभाने को मिला था। हाल में सुनील दर्शन ने एक एंटरटेनमेंट साइट को अपनी आने वाली फिल्म एक हसीना था एक दीवाना के सिलसिले में इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है। सुनील दर्शन ने बताया है, मैं अपनी अंदाज के लिए किसी और हीरोइन को लेना चाहता था, लेकिन प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर ने मुझे जोर दिया कि मैं प्रियंका से एक बार मुलाकात कर लूं। जब प्रियंका पहली बार मेरे ऑफिस में आई और मैंने उसे देखा, तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री को नई रेखा मिलने जा रही है। इसकी वजह थी कि प्रियंका की आंखें, आवाज और शरीर उनकी जुबान से ज्यादा बात करता था। उन्हें देखने के बाद मैं 100% आश्वस्त था कि प्रियंका बॉलीवुड की नई रेखा बनने जा रही हैं, और उन्होंने यह करके भी दिखाया है। वैसे यह बात तो है, अपनी समकालीन अदाकाराओं में से प्रियंका चोपड़ा अकेली ऐसी अभिनेत्री हैं जो इतनी सफल पारी खेल रही हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उन्होंने लोगों को अपनी अदाओं का दीवाना बना डाला है।